हल्द्वानी में डॉक्टर सुशील तिवारी राजकीय अस्पताल के डॉक्टर्स रूम में रखे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और बैग पर हाथ साफ करने वाला चोर आखिरकार पुलिस के हाथ चढ़ गया है। आपको बता दें कि विगत दिनों पूर्व डॉक्टर सुशील तिवारी राजकीय अस्पताल में एप्रन पहने चोर ने डॉक्टरों के रूम से मोबाइल लैपटॉप सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया था, जिसके बाद अस्पताल के मेडिसिन विभाग में तैनात डॉक्टर राहुल बिष्ट ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं बुधवार को एसपीसीटी प्रकाश चंद्र आर्य ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि सीओसीटी नितिन लोहनी और कोतवाल उमेश कुमार मलिक के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिस पर सीसीटीवी खंगाले गए और पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। आज सुबह दो व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनके एक का नाम किशन ठाकुर, दूसरे का नाम सुरेंद्र सिंह शाही है जो नेपाल का रहने वाला है। ये यहाँ इनका सुरेंद्र सिंह शाही जो है ये इनका दोस्त था मौर्य का, ये इसके यहाँ अक्सर आते जाते रहते थे। छत पे ये लोग 21 तारीख की रात को खाना पीना कर रहे थे, जिसमें कि ड्रीम इलेवन पे टीम बनने को लेकर हल्का फुल्का विवाद शुरू हुआ, जो इतना बढ़ गया कि ये किशन ठाकुर जो है कि आवेश में आकर इसने तमंचे से फायर झोंक दिया, जो कि बच्चे को लग गई थी।